सो हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी तो आज के वीडियो में हम करेंगे बिग बॉस ओ टी टी थ्री की बात तो भैया तो नॉमिनेटेड कौन कौन सदस्य हुए आज हम उनकी बात करेंगे जो नॉमिनेटेड हुए हैं वो है पहला नाम वहाँ पे लवकेश कटारिया और दूसरा नाम है वहाँ पर सना मकबूल और तीसरा नाम है वहाँ पर साई केतन और चौथा नाम है वहाँ पर अरमान मलिक वैसे देखा जाए तो बिग बॉस की एक साजिश ये है कि भाई अगर अगर अरमान मलिक को बचाना है वोटिंग से तो भैया यहाँ पर साई केतन को नॉमिनेटेड में रखना पड़ेगा कि एक बकरा तो फंसाना ही पड़ेगा तो यहाँ पे जो चार लोग हैं वो नॉमिनेशन में आ चुके हैं और अब मैं बताता हूँ कि लवकेश को यहाँ पर कैसे फंसाया जा रहा है उसको बाहर करने की साजिश यहाँ पर क्या है बिग बॉस के सत्रह अठारह सालों में भाई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नॉमिनेशन में और वोटिंग ना रखी हो इन्होंने इस बार ऐसा किया है वोटिंग ना रखकर वोटिंग में साफ साफ ये लिखा है कि ऐसा कौन सा सदस्य जिसको आप घर से बेघर करना चाहते हो वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको सेव करना है और जिसके फैंस होते हैं जो वो ऊपर नहीं देखेंगे वो तो सीधा सीधा वोट कर देंगे वहाँ पर लवकेश कटारिया क्यों क्योंकि जो बिग बॉस के जो भी कंटेस्टेंट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर लवकेश कटारिया की है अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो लोग तो पागल है लोग तो करेंगे उनको वोट कि लवकेश कटारिया के हम फैन हैं लवकेश को सेव करने के लिए अगर कोई पढ़ा लिखा हाँ भाई चलो फैंस है जो पढ़ लेंगे ऊपर की हाँ भाई ऐसा ऐसा सीन है कि अगर आपको हाँ भाई लवकेश कटारिया के फैंस अगर पढ़ लेंगे फिर तो उनके पास चांस है कि आप किसी को भी बाहर कर सकते हो चाहे आपको लगता है कि लवकेश कटारिया की किसके साथ दुश्मनी है किसके साथ उसने उसने किसको किस गलत किया इस सीज़न में जैसे अरमान मलिक के तो ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई उसके फैंस अरमान मलिक को बाहर निकाल दें पर ऐसा भी हो सकता है कि लवकेश कटारिया कोई कहीं लोग वोट कर लें और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आया है हमारे पास जिसमें अभी तक जो भी हुआ है वैसे सबने देख ही लिया ऐसा कोई भी वहाँ पर गलत चीज़ नहीं हो रही है वहाँ पर चौथे नंबर पर जो है वो है वहाँ पर अरमान मलिक जी हाँ इनको सबसे ज़्यादा वोट मिल रही है वहां पर मतलब निकालने के लिए तो इनको हम चौथे नंबर पर रखते हैं और तीसरे नंबर पर जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिल रही है वो वह है वह वहां पर साई केतन जी हाँ और जो चौथी दूसरे नंबर पर है वो वह है वहां पर सना मकबूल और जो पहले नंबर पर है वो हमारे क्रॉप ट्यूबर कटारिया लवकेश कटारिया तो यहाँ पर देखो जो लवकेश के फैंस हैं वो सारे अरमान को वोट कर रहे हैं कि भैया हमने अरमान को निकालना है और जो सना मकबूल के फैंस हैं वो भी यही चाहते हैं कि अरमान को निकालें और वहाँ पर साई कैतन के फैंस हैं उन्होंने यही सोचा होगा कि भैया आप लवकेश की तो बहुत फैन फोलिंग है वो भी अरमान को वोट करेगी और सना मकबूल भी अरमान को वोट करेंगे तो साई कैतन के फैंस भी अब यही सोच रहे होंगे कि, कि हम भी अरमान को ही वोट करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ वैसे वोटिंग तो यही हो रही है कि वहाँ पर अरमान मलिक का पत्ता यहाँ से कट रहा है वोटिंग के हिसाब से तो यही है यही है कि लव कटारी के फैंस के पास इस बार चांस है कि तुम पढ़ लिख के वो पर क्या लिखा है ऐसा नहीं कि तुम सीधा कटारिया का वोट कर रहे हो और कटारिया भाई बिग बॉस से वहाँ पर बाहर हो रहे हैं तो भैया है देख के वोट करना क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैन फॉलिंग है जो लव कट कटारिया की है तो देख के वोट करो जिसको आप बाहर निकालना चाहते हो उस पर आप क्लिप करो जिसके भी फैंस हैं तो चाहे अरमान को निकालना अरमान का करो लवकेश कटारिया तो लवकेश कटारिया चाहे सना मकबूल तो सना मकबूल तो साई केतन तो साई केतन जिसके फैन जिसको निकालना चाहते हैं वो आराम से निकाल सकते हैं जिसकी आपको लगता है कि भाई हमारे फेवरेट के बाद साथ इसने बुरा किया तो उसको निकाल के वोट कर दो तो बढ़िया तो गाय इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में